करण देओल और दिशा आचार्य की फाइनली हो चुकी है शादी और इस शादी में शामिल हुआ पूरा देओल परिवार। सवाल बना हुआ था कि क्या करण देओल की शादी में शामिल होगी ईशा देओल, उनकी बहन या फिर हेमा मालिनी। तो फाइनली अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि करण देओल की शादी में तो पहुंची थी सनी देओल की सौतेली बहन यानी कि ईशा देओल, लेकिन सनी देओल ने शादी में अपनी सौतेली बहन ईशा देओल को देखने के बाद भी इग्नोर कर दिया और अपने बेटे करण देओल की शादी में खूब व्यस्त नजर आए। यहाँ पर इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि किस तरह से ईशा देओल को करण देओल ने सनी देओल ने इग्नोर कर दिया और यहाँ पर ये देखकर बुरी तरह से चौंक गई ईशा देओल। बताते चले कि यहाँ पर करण देओल की शादी दिशा आचार्य के साथ हुई है और यहाँ पर फाइनली अब दिशा आचार्य बन चुकी है देओल परिवार की बहू। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो खबर वायरल हुई है कि सनी देओल ने अपनी बहन ईशा देओल को इग्नोर किया है, दरअसल ये झूठी खबर है। ऐसी कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है और ना ही ईशा देओल अभी तक करण देओल की शादी में पहुंची थी और ना ही उनसे जुड़ी कोई भी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई है जिससे ये दावा किया जा सके कि सच में करण देओल की शादी में सनी देओल ने किया था अपनी सौतेली बहन ईशा देओल को इग्नोर। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।